हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप बार बार हाथ धोने से परेशान हैं, अगर आपको बार बार गैस की नॉब चेक करने के लिए अपने बिस्तर से उठकर बार बार जाना पड़ता है, अगर आप लॉक लगाते वक्त इतना बार बार चेक करते हैं कि उसकी वजह से आपकी बस तक छूट जाती है, या कोई आपकी चादर पर बैठ जाए तो उसको देखकर आपको लगता है कि आपकी चादर गंदी हो गई है, इस तरह के ख्याल आपको आते हैं, और इस तरह के ख्यालों से अगर आप परेशान रहते हैं तो आप हो सकता है कि आपको ओसीडी हो। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज हम इसी रोग के बारे में, ये एक मानसिक रोग है यानी कि मेंटल इलनेस है, इसी के बारे में जानेंगे डिटेल से, इसके रीजंस क्या है, और फिर साथ में हम जानेंगे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओसीडी। इसका नाम ही अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। ओ मीन्स ऑब्सेसिव, सी मीन्स कंपल्सिव, डी मीन्स डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा डिसऑर्डर जो ऑब्सेशन के साथ साथ कंपल्शन भी देता है। यानी कि ऑब्सेशन आता है आपके मेंटल स्टेटस जो है वो आपका बार बार उस तरह के थॉट्स लाता है, उस तरह की चीजें आप सोचते हैं, और फिर जब उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करने लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कंपल्सिव होकर के एक्शन करने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरह की मेंटल इलनेस है। हालांकि लोग जल्दी से मानते नहीं, क्योंकि नाम से ही बहुत डर जाते हैं, लगता है कि मेंटल इलनेस मीन्स कि हम पागल हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉपुलेशन का 2% जो हिस्सा है वो इस मानसिक रोग से ग्रसित है, यानी कि 2% जो पीपल हैं वो लोग सब ओसीडी से अफेक्टेड है। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। ऑब्सेशन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। आइडियाज, जैसे कि एक लेडी है, उनके हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको बार बार थॉट आएगा कि कहीं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई है, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, तो इसी चक्कर में चलते वो उनको बार बार कॉल करेंगे। दूसरा है इमेजेस। आप पूजा कर रहे हैं, उस वक्त आपके ख्यालों में कुछ और ही पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ सेक्स से रिलेटेड पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ हीरोइंस की पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ इस तरह की पिक्चर्स आपके दिमाग में घूम रही हैं, जिनको आप ना चाहते हुए भी हटा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा ऑब्सेशन होता है इम्पल्सिव, कि ना चाहते हुए भी आपको बहुत गुस्सा आता है, या तो आप बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, या आप सुसाइडल टेंडेंसी के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या दूसरों को भी आप हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये 3 तरह के ऑब्सेशंस होते हैं। एक ही सोच के पीछे, एक ही आइडिया के पीछे आप घंटों घंटों अगर वेस्ट कर देते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो बार बार आपके दिमाग में वो ख्याल आ रहा है, और आप जानते हैं कि ये जो ख्याल है ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो ख्याल आपको बार बार परेशान कर रहा है, और फिर आप उसके कंपल्शन में आके कि चलो यार अब हाथ धो ही लेता हूं, आप जाकर हैंड वॉश कर लेते हैं। तो ये जो है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। आप लॉक लगाते हैं, लॉक लगाकर घर से जा रहे होते हैं, और फिर आपको लगता है अरे मैंने लॉक ठीक से चेक नहीं किया, फिर से वापस आते हैं, फिर से चेक करते हैं, ऐसे ही आप फिर से चेक करके वापस जाते हैं, फिर से आपको ख्याल आता है अरे मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने सही से ताला नहीं लगाया, आप फिर से वापस आते हैं, और उस चक्कर में आपकी बस या ट्रेन भी छूट जाती है, आप अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट काम से मिस हो जाते हैं। ओसीडी जो है इसका मेनली जो रीजन माना गया है वो जेनेटिकली माना गया है, कि आपकी फैमिलीज टू फैमिलीज ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है इसमें मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो थॉट्स आते हैं उनको ठीक किया जा सकता है आपकी काउंसलिंग से। आपकी जो नेगेटिविटी है उसको आपकी काउंसलिंग से ठीक करके आपको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले, अगर आप बार बार कोई चीज भूल जाते हैं, जैसे कि
आपने कोई चीज टेबल से उठाई, फिर आपने रख दी, फिर आपको लगा रहे मैंने उठाई नहीं, आपने फिर दोबारा उठाई, फिर वापस रख दी, फिर उठाई, फिर रख दी, और ये चलता ही रहेगा। तो ये जो है इस तरह की प्रॉब्लम है। साथ में आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है, आप कोई भी काम करते करते भूल जाते हैं, और आप अपनी बात बताते बताते बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो उस केस में आपको मेडोराइनम बहुत अच्छा काम करेगा। मेडोराइनम 1 mg की पोटेंसी में आप लेंगे और हफ्ते में 2 बार यानी कि हर 3 दिन में आप उसको रिपीट करेंगे। 1 mg की पोटेंसी हर 3 दिन में आपको रिपीट करनी है। दूसरी मेडिसिन, अगर आप में बहुत एग्रेसिवनेस आ रही है, आप बहुत वायलेंट हो रहे हैं, इस तरह के आप में अटैक्स आ रहे हैं, इस तरह की ओसीडी से अगर आप अफेक्टेड हैं, तो आप लेंगे बेलाडोना 30। सुबह 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे, रात को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे। तो बेलाडोना जो है इस केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको हाथ धोने के बार बार प्रॉब्लम है या डर्ट से रिलेटेड आपको इश्यूज हैं, जो ज्यादातर फीमेल्स में होते हैं कि कोई चद्दर पर अगर बैठ गया तो लगता है कि अरे मेरी चद्दर गंदी हो गई है, उसके बारे में सोचना और फिर सोचकर चद्दर को धो देना, हाथों को गंदा सोच सोचकर बार बार उनको वॉश करना, या मेरे फेस पे डर्ट है बहुत ज्यादा तो उस चक्कर में बार बार मुंह धोना, तो उस केस में सबसे अच्छा काम करेगी पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को आप लेंगे और हर रोज लेंगे, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में आपके सिम्टम्स काफी हद तक रिलीव हो गए हैं। उसके साथ अगर आपको चेक या रीचेक करने की आदत है, या आप उस ओसीडी से परेशान है कि आप बार बार लॉक चेक करते हैं, या बार बार आप किचन में जाते हैं और गैस का नॉब चेक करते हैं, आप घंटों घंटों बाद सोचते हैं कि अरे मैंने ठीक से नॉब बंद नहीं किया, और आप चेक करके आ चुके हैं फिर भी आप दोबारा जाते हैं, हालांकि उस टाइम उस काम को करके उस एक्शन को करके आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आप फिर वही काम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उस केस में आप पर बहुत अच्छा काम करेगी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है, उसका भी 2-2 बूंद सुबह शाम आपने लेना है। उसके बाद इन सारी मेडिसिन के साथ एक जो मेडिसिन है जो आपने लेनी है, वो लेनी है काली फोस 12x पोटेंसी में। उसकी 6-6 गोलियां दिन में 3 बार आप लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी के काफी हद तक सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। इसके साथ ही आप लेंगे अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डेली मॉर्निंग में डायरेक्टली ऑन टंग पे, और साथ में ही 2 मदर टिंचर्स आप लेंगे, एक अश्वगंधा का मदर टिंचर और एक ब्राह्मी का मदर टिंचर, दोनों को ही इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर आप रख लें। फिर उसकी 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आप 1/4 ल्यूकवॉर्म वाटर में लेंगे, तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा आपके सिम्टम्स में रिलीफ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।